Again, same pattern manage करना possible in the form of 4x7 matrix, because इस case में number of row कितने हैं 1, 2, 3, 4, इसलिए outer loop कितनी बार चलेगा 4 times. If number of row is n, then इस case में condition क्या apply करेंगे, i less than equals to n. अगर n का value 5 है then i less than equals to 5, n का value 4 है then i less than equals to 4, like that. n के form में implement करना same as, means final इस case में देखे जाए अभी inner और outer loop में कोई भी changes करने की जरूरत नहीं, same as previous sessions, just previous program 61 के केस में inner loop कितनी बार, outer loop कितनी बार चलाया था, n times, और inner loop कितनी बार iterate हुआ था, j less than equals to 2 into n minus 1. अगर n value 4 है then क्या आएगा 7, अगर n का वैल्यू 5 है देन इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 9, लाइक दैट. देन आपको सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या है, ओनली व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर डिस्प्लेइंग स्पेस. इस केस में स्पेस किस फॉर्मेट में रिक्वायर्ड है, लाइक दैट. मींस इस केस में स्पेस कहां है, ना ही लेफ्ट पार्ट में ना ही राइट पार्ट, मींस मिडिल पोर्शंस. इस केस में कंडीशन किसके लिए अप्लाई करेंगे, मींस फिल्टर कौन से एलिमेंट्स कराना है, दैट वन एंड दैट वन. व्हाट इज द कंडीशन फॉर गिवन एलिमेंट्स. इस केस में आई और जे के फॉर्मेट में आपको कंडीशंस इंप्लीमेंट करना, अगर देखा जाए अगर आप इस केस में कंडीशन अप्लाई करते हो आई लेस देन जे, मींस इस केस में इन्वॉल्व क्या हो रहा है, ऑल एलिमेंट. अगर मैं कंडीशन अप्लाई करता हूं आई लेस देन जे, देन इस केस में स्पेस कितने केस में आएगा, कंप्लीट ऑल, बिकॉज़ ये सारे के सारे एलिमेंट इन सभी एलिमेंट में रिलेशन क्या क्रिएट हो रहा है. इस केस में आई के ऑल वैल्यू जे से स्मॉल है, i less than j, लेकिन इस केस में प्रॉब्लम क्या रहा है, अगर आप i less than j अप्लाई करोगे तो रिमेनिंग प्लेसेस पर जहां आपको स्टार्स रिक्वायर्ड उस प्लेस पर भी क्या आएगा, आल्सो स्पेस, बिकॉज ये पर्टिकुलर रिलेशन इन सभी केस में डिस्प्लेस. इस केस में आपका पैटर्न किस शेप में डिस्प्ले हो रहा, ओनली लाइक दैट. रिमेनिंग केसेस में पैटर्न्स को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है, इस केस में इन पर्टिकुलर कंडीशन में से अभी सारे के सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें से फिल्टर क्या करना, दैट पार्ट. तो इस केस में इस पार्ट को और फिल्टर करना, देन इसको एक्सक्लूड करने के लिए एक और कंडीशन अप्लाई करेंगे, मींस ऐसा कंडीशन निकालना जो केवल इन गिवन एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई हो, ना कि अदर के लिए. तो उसके लिए नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगा, इस सभी केस में आई और जे का एडिशन कैसा है, लेस देन 8. आई जे का एडिशन कैसा है, आई प्लस जे लेस देन 8. क्वेश्चन है कि i plus j का एडिशन लेस देन 8, देन इस केस में अगर सेकंड कंडीशन अप्लाई कर दो देन इस केस में इन्वॉल्व क्या हो रहा है, दीज ऑल एलिमेंट. इसको फिल्टर करना इसलिए अप्लाई क्या करोगे, मस्ट बाय यूजिंग एंड कंडीशन. अगर एंड कंडीशन अप्लाई करेंगे फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, एंड के केस में जनरल बिहेवियर क्या रहता है, अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है देन सेकंड कंडीशन टेस्ट नहीं हो. सबसे पहले टेस्ट क्या हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन इन सभी केस में क्या आएगा, फॉल्स. तो इसका मतलब इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं होगा, लेकिन सेकंड कंडीशन किसके लिए चेक हो रहा है, रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए. रिमेनिंग एलिमेंट्स में सेकंड कंडीशन ओनली किसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है, ओनली दैट पार्ट, मींस ओनली फॉर दैट पोर्शंस, क्योंकि ये पर्टिकुलर पोर्शन ऑलरेडी फर्स्ट कंडीशन से फिल्टर हो चुका है. तो इसलिए पर्टिकुलर केस चेक कर सकते हैं, इस केस में रिमेनिंग केस में 1 + 7, 2 + 6, इस सभी केस में एडिशन क्या रहा है, 8 और 9 और समथिंग 10 और 11, दीज आर पॉसिबल केस इन रिमेनिंग केस. तो इस सभी केस में कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स. फॉल्स होने केस में क्या प्रिंट होगा, स्टार. इसलिए फाइनल कंडीशन क्या राइट डाउन करें, इनसाइड बॉडी ऑफ इफ कंडीशन, फर्स्ट वन आई लेस देन जे एंड आई प्लस जे लेस देन 8. 8 के प्लेस पर कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ n. तो n के केस में राइट डाउन क्या करें, 2 into n. दिस इज द रिक्वायर्ड इफ कंडीशंस. मींस इस गिवन पैटर्न्स के थ्रू n के किसी भी वैल्यूज के लिए गिवन शेप डिस्प्ले कराना पॉसिबल है.